नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज हो चुकी है 29 जनवरी 2021। और दोस्तों आज भी काफी सारी खबरें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट खबरें निकल कर आ रही है क्रिकेट जगत से और IPL से। तो सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सैयद मुश्ताक अली के सेमीफाइनल के बारे में, इसके अलावा बात करेंगे IPL के स्पॉन्सर को लेकर, और इसके अलावा बात करेंगे ऋषभ पंत को लेकर कि ऋषभ पंत को लेकर क्यों उनके घर वाले जो है वो किस चीज को लेकर उनके पीछे पड़े हुए। तो सारी चीजों बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहली खबर की बात करें तो वो आ रही है सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट की तरफ से, जहां पर दोस्तों 31 जनवरी को इसका फाइनल खेला जाना है। और दोस्तों यहाँ पर सेमीफाइनल जो है वो आ चुका है, जहाँ पर चार टीमें हैं जो हैं वो सेमीफाइनल खेलेंगी, जिसमें राजस्थान, पंजाब, बड़ौदा और इसके अलावा तमिलनाडु, ये चार टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में भिड़ेंगी आपस में। जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु और राजस्थान के बीच में मैच होगा 29 जनवरी को दोपहर में, यानी कि आज दोपहर में, और इसके अलावा शाम को जो है वो पंजाब और बड़ौदा की टीमें खेलेंगी। और दोस्तों राजस्थान, पंजाब और तमिलनाडु, इन तीन टीम में IPL के कुल 15 खिलाड़ी जो है वो खेलने वाले हैं, जिसमें दोस्तों एक एक करके बात करें कि कौन कौन सी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर पंजाब की टीम में मनदीप सिंह जो कि किंग्स इलेवन पंजाब के हैं, अभिषेक शर्मा जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के हैं, मयंक मार्कंडे राजस्थान रॉयल्स, संदीप शर्मा सनराइजर्स, और गुरकीरत सिंह मान जो कि RCB के एक्स खिलाड़ी हैं, यानी कि इनको RCB ने रिलीज कर दिया। इसके अलावा दोस्तों बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की तरफ से दिनेश कार्तिक KKR की तरफ से खेलते हैं, विजय शंकर सनराइजर्स की तरफ से, मुरुगन अश्विन किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, और नारायण जगदीशन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की टीम में राहुल चाहर होंगे जो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं, खलील अहमद सनराइजर्स हैदराबाद के, दीपक चाहर CSK के, रवि बिश्नोई किंग्स इलेवन पंजाब के, और महिपाल लोमरो राजस्थान रॉयल्स के। तो दोस्तों ये थे खिलाड़ी जो कि इन तीन टीमों में खेल रहे हैं और इस सेमीफाइनल में हिस्सा होंगे। और दोस्तों ये किस तरह का प्रदर्शन करते हैं इसकी भी जानकारी हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। वहीं पर दोस्तों बात करें दूसरी खबर की, तो वो आ रही है दोस्तों यहाँ पर IPL 2021 के स्पॉन्सर की सरदर्दी को लेकर। दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले साल वीवो ने बैकआउट किया था इंडिया चाइना सेंटिमेंट के की वजह से, और इसी वजह से वो जो है नया हमारे पास स्पॉन्सर आया था ड्रीम इलेवन। तो यहाँ पर ड्रीम इलेवन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 31 दिसंबर तक ही था, और अब यहाँ पर 2021 के सीज़न के लिए ड्रीम इलेवन कोशिश कर रहा है कि 2021 और 2022 इन दोनों सीज़न के लिए वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ाए BCCI के साथ में, और सेम अमाउंट में 222 करोड़ रुपए देकर ड्रीम इलेवन ने इसके राइट जो है वो खरीदे थे पिछले साल। लेकिन अब जो है वो BCCI नहीं चाहता है कि वो इतनी कम अमाउंट में अपने राइट्स बेचे टाइटल स्पॉन्सर के, क्योंकि वीवो जो है वो 440 करोड़ रुपए दे रहा था यहाँ पर इनको BCCI को। तो यहाँ पर BCCI जो है वो अब टेंडर निकालने वाली है। BCCI के सामने तीन ऑप्शन है, या तो वो वीवो को वापस से स्पॉन्सरशिप दें, इसके अलावा ड्रीम इलेवन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाएं, या फिर नए टेंडर निकाले जहां पर नई कंपनीज जो है वो स्पॉन्सरशिप में हिस्सा लें, जिसमें दोस्तों पतंजलि हो गई, कोका कोला हो गई, जियो हो गई। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो पिछले साल भी आई थी, तो यहां पर ड्रीम इलेवन ने उसमें तो बाजी मार ली थी। लेकिन यहां पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वीवो ही वापस से स्पॉन्सर बनता है या फिर किसी और को स्पॉन्सर बनाया जाता है। दोस्तों आपके हिसाब से कौन होना चाहिए IPL 2021 का टाइटल स्पॉन्सर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वहीं पर दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो दोस्तों वो पहले टेस्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों पहले दोनों टेस्ट के लिए जो दोनों टीमें हैं वो चेन्नई पहुंच चुकी हैं, जहां पर उनके कोरोना टेस्ट करवाए गए और सारे के सारे टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं, और सभी खिलाड़ी जो है वो अब क्वारंटीन में हैं। रोहित शर्मा ने एक फ़ोटो शेयर की है, इतना ही नहीं यहां पर खिलाड़ियों को जो है वो अपने फैमिली के साथ में रहने के लिए अनुमति मिल गई है BCCI से। तो यहां पर जो खिलाड़ी अपनी फैमिली के साथ में रहना चाहते हैं वो उनकी फैमिली के साथ में रह सकते हैं। तो सभी खिलाड़ी क्वारंटीन में हैं, और 2 फरवरी से यहां पर खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, और 6 दिन का क्वारंटीन उनको अभी रखा गया है, और 2 फरवरी से वो जो है वो प्रैक्टिस कर सकेंगे, और 5 फरवरी को दोस्तों पहला टेस्ट मैच होगा। दोस्तों दोनों जो टेस्ट मैच होंगे वो चेन्नई में ही होंगे, और पहला टेस्ट जो है वो 5 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो वो आ रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट में अंपायरिंग को लेकर। दरअसल दोस्तों 2 अंपायर ऐसे हैं जो कि इस टेस्ट सीरीज में डेब्यू करने जा रहे हैं, जहां पर नितिन मेनन जो है वो तो फील्ड अंपायर होंगे, इसके अलावा 2 अंपायर अनिल चौधरी, और इसके अलावा
एक और खिलाड़ी हैं वीरेंद्र शर्मा। ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो अब टेस्ट मैचों में डेब्यू करने जा रहे हैं अंपायरिंग का। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बड़ी खबर थी जो कि निकल कर आ रही है। अब वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगली खबर की। दोस्तों वो निकल कर आ रही है ऋषभ पंत को लेकर। दोस्तों ऋषभ पंत ने ब्रिस्बेन में काफ़ी अच्छी तरीके से मैच को जितवाया था और ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड कायम करवाया था और इसी के साथ उन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह भी जो है वो पक्की कर ली है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आते ही उनके घर वाले जो है वो उनके पीछे पड़ चुके हैं। अब वो किस वजह से उनके पीछे पड़े हैं वो हम आपको बता दें। तो यहाँ पर उनके घर वाले चाहते हैं कि ऋषभ पंत एक नया घर ले लें और उसको लेकर दोस्तों पंत ने ट्विटर पर भी अपना मतलब एक लोगों से क्वेरीज मांगी थी, लोगों से सजेशन मांगे थे, जिसमें उनके जो फैंस हैं उन्होंने उनको काफ़ी सारे सजेशन भी दिए, जिसमें पंत ने पूछा था कि क्या गुड़गांव सही रहेगा या फिर इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी है। तो इस पर दोस्तों पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी इरफान पठान ने भी एक मजाकी अंदाज में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आप पूरा मैदान ही खरीद लीजिए। तो दोस्तों ये काफ़ी फनी चीज़ थी। बाकी ऋषभ पंत के घर वाले चाहते हैं कि ऋषभ पंत एक नया घर लें। दोस्तों आप भी अपना सजेशन दे सकते हैं कहाँ पर उनको घर लेना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह से चलेंगी। वहीं पर दोस्तों अब यही थी आज की इंपॉर्टेंट खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।